check the mic and make sure it sound right, boys. Hello guys, so welcome back to another vlog. और आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं सफारी का. सो सफारी कार ये कानपुर से परचेज करी गई थी और अब हम इसका रिव्यू कर रहे हैं. ये कार मेरे बड़े भैया जिनका पीछे घर देख रहे हैं उनकी है. सो चलिए हम इस कार का रिव्यू करते हैं और आपको दिखाते हैं इस कार की खूबियों के बारे में. Sound right, boys. गाइस आज जो कार है हमारे साथ है आज ये सफारी गोल्ड एडिशन जेट ब्लैक कलर. सो इसमें गोल्ड एडिशन का मतलब ये है कि जो इसके क्रोम के पार्ट्स हैं, जैसे ये देख सकते हैं ये सारे जो क्रोम के पार्ट्स हैं ये सब अपने गोल्ड एडिशन में है. जैसे ये क्रोम हो गया, उसके बाद इस साइड में क्रोम हो गया और उसके बाद ये अपना ऊपर क्रोम हो गया. तो ये अपने जितने भी सारे क्रोम के पार्ट्स हैं ये सारे गोल्ड एडिशन में हैं. तो गाइस अपने साथ ये जो सफारी का गोल्ड एडिशन है इसके आगे हमें यहाँ पे मिलते हैं एयरबैग्स. इस गाड़ी में टोटल 6 एयरबैग्स हैं और साथ में यहाँ पे देखिए जो एसी का भी क्रोम लगा हुआ है ये भी गोल्ड एडिशन में है. और उसके बाद ये है अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम. आप देख सकते हैं जितना भी इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है सब क्लासी लुक के साथ दिया हुआ है. ये अपनी गियर नॉब हो गई, ये हिल असिस्ट चेंज करने के लिए हो गया और साथ में ये हमें मिलता है ये पार्किंग ब्रेक्स के लिए. इसको मतलब है ये है तो एक हैंड ब्रेक बट इसमें एक बटन दिया हुआ है हैंड ब्रेक्स के लिए. और अगर हम इस पर मेन बात करेंगे सो अपना ये है सामने डैशबोर्ड में मार्बल टच. और जो इस कार की बेस्ट चीज़ है वो है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकी है, वो है इसका पैनारोमिक सनरूफ. सो अभी हम सनरूफ खोलते हैं. ये देखिए इसका पैनारोमिक सनरूफ बहुत ही क्लासी लुक के साथ दिया हुआ है. ये पूरा आगे से लेकर पूरा पीछे तक खुलता है. ये सनरूफ खुल गया. अभी तो मैंने कार में एसी ऑन किया हुआ है इसलिए मैं पूरा सनरूफ नहीं खोल रहा हूँ. और ये देख सकते हैं हमारे आगे भी एक सफारी चल रही है जो वाइट कलर की है बट ये शायद टॉप मॉडल नहीं है लेकिन अपना जो है ये टॉप मॉडल है. सो इस पे हमें सब कुछ मिलता है पूरे फुल फीचर्स के साथ. सो अगर हम बात करें कि 30 लाख के अंदर बेस्ट कार कौन सी है तो आप सफारी आप आराम से परचेज कर सकते हैं. सो गाइस अब हम बात करते हैं इसकी स्टेयरिंग के बारे में. जो ये हमें टाटा ने ये स्टेयरिंग दी है ये बहुत ही अच्छे लुक के साथ दी है. ये बिल्कुल मैक्स लेवल की पावर स्टेयरिंग है जिसमें हमें मिलते हैं ये कुछ बटन्स. साथ में ये हमें मिलता है इसका मीटर. अभी जब कार खड़ी होगी तो मैं इसका मीटर दिखाऊंगा आपको. साथ में जो इसका ऑडियो है ये ऑडियो बहुत ही सेक्सी है. मैं अभी ऑडियो बजा नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा. सो इसमें हमें ऊपर भी स्पीकर्स मिलते हैं, दो स्पीकर्स मिडिल में, दो स्पीकर्स वहाँ कॉर्नर में और पूरी कार में ये अपना डॉल्बी साउंड है. और आप देख सकते हैं कि ये जो अपना गेट ओपनर है जिससे गेट हम खोलते हैं ये भी क्रोम फिनिश में है गोल्डन कलर में, क्योंकि ये जो है ये गोल्ड एडिशन कार है. सो अभी जैसे कार अपनी रुकती है तो मैं आपको पीछे दिखाऊंगा पीछे कितनी स्पेस है और बूट स्पेस कितनी है और पीछे डिक्की कैसी है. और जो इनकी सीट्स की सबसे ख़ास बात है वो है अपनी कि सीट्स में वेंटिलेटेड सीट्स हैं. मतलब कि अगर आपको बैठे बैठे गर्मी लग रही हो सो आपके कॉर्नर पे एक बटन दिया होता है. ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपके कॉर्नर पे बटन दिया होता है जैसे कि ये, तो इस पर आप अपना एसी ऑन कर सकते हैं तो सीट्स के अंदर से हवा आनी शुरू हो जाएगी.